हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CTT एंड TET प्रिपरेशन में। और शिक्षक बनने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि राज्य के हाई स्कूल में रखे जाएंगे 10,000 अतिथि शिक्षक, हो रही है तैयारी। यह बिहार का न्यूज है, देखिए पटना का है। राज्य के हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। इंटर स्तरीय स्कूलों के तर्ज पर अतिथि शिक्षकों को जिला स्तर पर सूचीबद्ध कर संबंधित स्कूलों को उपलब्ध कराया जाएगा। करीब 10,000 अतिथि शिक्षकों को रखने की योजना है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी। हाई स्कूल में शिक्षकों की कमी है, खासकर अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों की काफ़ी अधिक कमी है। राज्य के उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में करीब 25,000 शिक्षकों की कमी है। हाई स्कूल में 17,000 शिक्षकों की कमी है। समान काम के लिए समान वेतन का मामला सुप्रीम कोर्ट में होने के कारण कई महीनों से शिक्षा की बहाली बंद है। राज्य में करीब 5600 उच्च उच्चतर माध्यमिक स्कूल है, इसमें 1300 उच्चतर माध्यमिक स्कूल है। उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 37,000 नियोजित शिक्षक हैं, जबकि 7,000 पूर्ण वेतनमान वाले शिक्षक हैं। अब इनको वेतन कितना मिलेगा? प्रतिमाह अधिकतम 25,000 रुपये मिलेंगे। अतिथि शिक्षक रखने के लिए जिला स्तर पर आवेदन लिया जाएगा। BSc BA BCom के साथ BEd उत्तीर्ण और इससे अधिक उच्चतर डिग्रीधारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। गणित, भौतिकी और रसायन शास्त्र विषय के लिए योग्य अभ्यर्थी की अनुपलब्धता की स्थिति में संबंधित विद्यालय में उपलब्ध रिक्त एवं स्वीकृत पद की सूचना देते हुए MTech या BTech योग्यता धारी अभ्यर्थी से सेवा ली जाएगी। तथा समिति योग्यता के आधार पर अतिथि शिक्षक की अंतिम सूची करना है। अतिथि शिक्षक को प्रतिदिन 1,000 रुपये की दर से शिक्षा विभाग पारिश्रमिक देगा। प्रति माह अधिकतम 25,000 रुपये तक अतिथि शिक्षक को मिलेगा। मध्य विद्यालय हाई स्कूल बने पर शिक्षक नहीं बढ़े। सभी मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में उत्क्रमित कर दिया। इस साल भी सरकार ने कम से कम 1,000 मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में उत्क्रमित करने का लक्ष्य रखा है। हाई स्कूल में परिवर्तन के बाद भी यहाँ आवश्यक शिक्षक नहीं मिले, शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए तैयार हो रही है योजना। हाई स्कूल में अतिथि शिक्षक रखे जाने हैं, शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए तैयार की जा रही है। उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के तर्ज पर ही हाई स्कूल में अतिथि शिक्षक रखा जाना। अतिथि बनने की योग्यता वाले को मौका मिलेगा। नियमित बहाली होने तक अतिथि शिक्षक की कमी दूर की जाएगी। एक शिक्षा मंत्री है बिहार के, कृष्णनंदन वर्मा, इनका स्टेटमेंट है। 37,000 नियोजित शिक्षक है उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में, जबकि 7,000 पूर्ण वेतनमान वाले शिक्षक है। 5600 उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूल है राज्य में, इसमें 1300 उच्चतर माध्यमिक स्कूल है। 25,000 शिक्षकों की कमी है उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में। इंटर स्तरीय स्कूल में नहीं रखे जा सके 4200 अतिथि शिक्षक। राज्य के उच्चतर माध्यमिक इंटर स्तरीय स्कूलों में 4200 अतिथि शिक्षक को रखने की प्रक्रिया चल रही है। अब भी करीब 50% अतिथि शिक्षक के पद पर शिक्षक नहीं रखे जा सके। शिक्षा विभाग के लगातार कई आदेश के बाद भी जिलों से CEO ने अतिथि शिक्षकों के रखने की रिपोर्ट नहीं दी है। तो अतिथि शिक्षक और शिक्षकों से जुड़ी और भी न्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहूंगी। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।